खबर कांकेर से है, जहां एक सुरक्षाकर्मी ने चरित्र पर शंका के चलते पत्नी को चाकू मार दिया। हमले में घायल महिला को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना नगर थाना क्षेत्र की है। वहां सुरक्षाकर्मी दीपक खांडे ने लक्ष्मी साहू से प्रेम विवाह किया था, लेकिन अब उसे पत्नी के चरित्र पर शक होने लगा और इसी के चलते उसने महिला पर चाकू से हमला कर दिया। निकल रहे थे हम लोग जा रहे करके, तो फिर ये बोली लक्ष्मी कि नहीं माँ, मैं भी जानती थी, मेरे को बहुत सब करता है, मैं राशन कार्ड के लिए और सत्यापन के लिए मैं गई थी, तो मेरे पास बहुत झगड़ा लड़ाई किया है, सबके साथ सब करता है मेरे को, इसके साथ ऐसे करी, उसके साथ ऐसे करी, तो मेरा भी थोड़ा सा दिमाग खराब है, उसको नहीं था तो बुलवाई फिर मैं बोली तो क्या करना क्या चाहता है, तो कुछ भी नहीं बोला और पीछे चाहते चाहते उसका फिजर से ऑपरेशन हुआ, एक बेबी हुआ है, उसको देखने के चक्कर में मैं उसके घर गया था, और उनके बीच में पहले से अच्छे चलाव चल रहा था और लड़की बोल रही थी कि घर आओगी घर आओगी, लेकिन अब उसको बुलाया गया, उसके बाद जब पता नहीं क्या सोचा और चाकू निकाला पीछे से आया और हमला किया, स्ट्रेचिंग से स्ट्रेचिंग कर दिया गया, बीच बचाव के चक्कर में मैं भी बीच में गया, हम लोग हमला किया तो उसके चक्कर में मैं भी घायल हुआ, मेरा हाथ में भी लगा हुआ है, मैं कभी भी निकल गया। हमसे जानकारी मिली है कि एक शिक्षा कर्मी है दीपक खांडे, उनकी पत्नी को चाकू से मार दिया है, महिला अस्पताल में भर्ती है, ट्रीटमेंट हुआ है, अभी बोलने की स्थिति में है ही, लेकिन अभी पूछा नहीं जा रहा है, इलाज चल रहा है, और जैसा बताती है उस हिसाब से कार्रवाई किया जाए।